तो भाई स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई मेक मनी ऑनलाइन वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर एक ऐसे अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जहां पर साइन अप अगर आप करते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से तो यहां पर 100 रुपीज का साइन अप बोनस आप अर्न कर लोगे। अगर आप किसी को रेफर करते हो तो 250 रुपीज 250 रुपए एक सिंगल रेफर से अमाउंट आप अर्न करने वाले हो। किसी भी तरह कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको पैसा लगाना नहीं है, यहाँ से आपको पैसा लेना है। जी हाँ भाई, आप रेफर करके और साइनअप करके तो पैसा लोगे ही लोगे, साथ में आप यहाँ से एडिशनल पैसा भी लोगे। वो कैसे? क्योंकि भाई ये एक लोन एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोन ले सकते हो। अब लोन एप्लीकेशन है तो भाई इसका जो पैसा है वो अपने लोन रिपेमेंट में यूज़ कर सकते हो, यानी कि यहाँ से आप लोन भी ले लोगे और उसका जो अमाउंट है वो आपको रिपे भी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो ईएमआई आपकी जाती है, जो भी आपको रिपेमेंट करना होता है आपके लोन अमाउंट को, वो आपको रिपे करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप यहां से अर्न करोगे उस अर्निंग से अमाउंट आपका जो है आपने चुका सकते हो, उस अर्निंग से आपकी ईएमआईस वगैरह आप पे कर सकते हो। तो भाई कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे यहां से आप अर्न करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भाई वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेगी। और हां भाई, हो सकता है वॉइस में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत डाउन चल रही है, तो थोड़ा सा आपको यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा वॉइस को लेकर। वॉइस हो सकता है उतनी बढ़िया और बेहतरीन आपको ना सुनाई दे रही हो। बाकी एप्लीकेशन का लिंक आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, अभी लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करके जैसे आप एप्लीकेशन भाई लॉगिन कर लोगे, ओपन कर लोगे सबसे पहले, तो भाई जैसे आप ओपन करोगे एप्लीकेशन को तो आपके सामने जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर कंटिन्यू इन इंग्लिश या फिर हिंदी में अगर आपको करना है, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में आप कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू इन इंग्लिश में मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहां से इसे स्किप कर दोगे, स्किप करने के बाद यहां पर यह पेज आएगा जहां पर आपके मोबाइल नंबर को आपको एंटर करना है, वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है, एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करके वेरिफिकेशन कर देना है। इसके बाद में यह पेज आ जाएगा जहां पर गेट लोन विद इन मिनट्स ये आपको सेक्शन मिल रहा है, यहां आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे और कुछ आपसे एक्सेस मांगेगा आपके मोबाइल का, जैसे कॉन्टैक्ट्स का, मैसेजेस का, तो ये जो आपको परमिशन है यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है जहाँ पर आपकी आईडी को आपको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आप अपना जो पैन नंबर है 10 डिजिट पैन नंबर वो आप एंटर कर देंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर वेरीफाई बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पर अगेन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पैन नंबर पे जो नेम होगा और जो पैन नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैं ये ब्लर कर दूंगा, ये आपको इंफॉर्मेशन यहां देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यहां पर यस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना, अगर इंफॉर्मेशन सही है तो यस सबमिट पर आप क्लिक करोगे, नहीं है तो आपको वहां पे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप दोबारा से जो पैन नंबर वो एंटर कर सकते हो। यहां पर आपको पैन नंबर पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहां से आप क्लिक करेंगे तो यहां से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पे एंटर कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देने के बाद में ये पेज आपके सामने आएगा जहां पर आपको एक सेल्फी लेनी है, तो क्या करेंगे, यहां पर कैप्चर सेल्फी पे क्लिक कर देंगे। कैमरा परमिशन अगर आपसे लेता है तो उसको अलाउ कर देंगे और एक सेल्फी यहां पर आपको क्लिक कर देनी है। सेल्फी जैसे आप सबमिट कर दोगे उसके बाद में ये पेज आपके सामने आएगा, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, जैसे कि यहां पर आपका नेम आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर आपका जेंडर मिल जाएगा, यहां पर एग्जैक्ट फुल नेम एज ऑन पैन कार्ड लिखा हुआ, तो ये अगर आपके में एम्प्टी आता है, खाली आता है, तो यहां पर जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है कंप्लीट नेम वो यहां पर आप एंटर कर देंगे। बाकी आपका एड्रेस और पिन कोड वगैरह जो सभी डिटेल्स है वो यहां पर देखने को मिलेगी। कोई भी सेक्शन एम्प्टी रहता है तो आप अपने आप से यहां पर फिल कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद में इनकम टाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर एरो बटन पर क्लिक करके आपका जो भी इनकम टाइप है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप सैलरीड है तो सैलरीड पे क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में अनएम्प्लॉयड या फिर अदर्स आपको करना है तो वो आप कर सकते हो। तो यहां पर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देता हूं। इसके बाद में आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आप यहां पे एंटर कर देंगे, मैं 20,000 प्लस यहां पे ऑप्शन आ रहा तो ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहां पर आपको आपके बैंक का नेम एंटर कर देना है और बैंक अकाउंट नंबर यहां पर आप एंटर कर देंगे। जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर कर दोगे उसके बाद में ये वाला पेज आएगा जहां पर कुछ समय तक आपको वेट करना होगा, ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, लोड होने में टाइम लगेगा। अब यहां पर ये हो रहा है कि आप अपनी डिटेल्स जो एंटर करोगे उसके बेसिस पे जो भी लोन ऑफर आपके लिए अवेलेबल होगा, जो भी ब्रांच एप्लीकेशन आपको लोन अमाउंट ऑफर कर सकती है, वो आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स के अकॉर्डिंग और पैन नंबर जो आपने एंटर किया और प्रीवियस जो भी लोन्स आपके चल रहे हैं या फिर आपने ईएमआई कितने टाइम पे पे किए, कोई की ईएमआई आपकी बाउंस हुई है नहीं हुई है, टाइमली आपने रिपेमेंट किया है नहीं किया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सभी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना जो ऑफर है वो यहाँ पे ब्रांच एप्लीकेशन देगा कि आपको यहाँ पे इतने अमाउंट का हम लोन ऑफर दे सकते हैं और इतने टाइम तक के लिए जो ईएमआई है वो आपने बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है कुछ टाइम लगेगा तो आपको यहाँ पे वेट करना है और वेट कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर जो लोन ऑफर है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर 1500 का एक ऑफर आया है, 1000 का एक आया और 500 का एक आया, तो इनमें से कोई भी एक यहाँ पे जो लोन है वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पर ज्यादा आपको अमाउंट में लोन नहीं मिलता, आपको 500 से लेकर 5000 रुपया मैक्सिमम आपको 10000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा, इससे ज्यादा का यहाँ से इस एप्लीकेशन से आपको जो लोन है वो नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर आप चाहो तो 1500 का लोन ले सकते हो, अगर 1500 का आपको मिलता है तो कैसे लोगे, यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करके यहाँ पर आपको लोन टर्म पे क्लिक कर देना। और यहाँ पर आप देख सकते हो आप इस लोन को 31 दिन के लिए ले सकते हो या फिर 62 दिन के लिए ले सकते हो। और जो रिपेमेंट टाइमिंग है, जो सॉरी आपका रिपेमेंट अमाउंट है, वो यहाँ पर आप आके चेक कर सकते हो। अगर 31 दिन में लेते हो तो 1545 रुपये आपको रिपे करना है, और अगर आप 2 महीने के लिए लेते हो तो 795 रुपये हर महीने आपको पे करना है 2 महीने तक। इस तरह से अपना जो लोन है वो यहाँ से आप ले सकते हो, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलता है। अब भाई रेफर एंड से कैसे अर्न करोगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप थ्री लाइन्स पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पहले तो आप देखोगे काफ़ी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको रेफर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो वहाँ जाने के लिए आप क्या करोगे, थ्री लाइन्स पर क्लिक करके यहाँ पर हेल्प का आपको आइकन मिल रहा है, यहाँ आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में FAQ का ये आइकन आपको मिल जाता है, यहाँ पर FAQ आपको मिलेगा टॉप में कस्टमर सपोर्ट के ऊपर, यहाँ आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपको एक सेक्शन मिल जाएगा प्रमोशन के नाम से, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन पे आ जाना है, प्रमोशन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला जो क्वेरी है, फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद में आप देख पाओगे यहाँ पर एक आपको लिंक मिल रही है हेयर के नाम से, यहाँ आप क्लिक कर देंगे। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो रेफरल कोड है और जो आपका रेफरल अमाउंट है, जितने भी आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, कंप्लीट जो ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप किसी को रेफर करते हो तो एक सिंगल रेफर से 250 रुपए का अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। और यहां पर साइन अप बोनस भी आपको 100 रुपीस का मिलने वाला है। अब जो साइन अप बोनस 100 रुपीस का, वो कैसे मिलेगा, वो यहां पर आपको ऐसे मिलेगा कि आपको यहां इस सेक्शन में आ जाने के बाद में एंटर ए प्रोमो कोड पे यहां पे क्लिक करना है। और यहां क्लिक करने के बाद में ये वाला जो स्क्रीन पर आपको कोड दिखाई दे रहा है, ये एज इट इज कोड यहां पर आपको एंटर कर देना है। अगर ये कोड आप एंटर करोगे तभी आपको 100 रुपीस का साइन अप बोनस मिलेगा, अगर कोड आप एंटर नहीं करोगे तो भाई 100 रुपीस का साइन अप बोनस आपको नहीं मिलेगा। जो आपको टर्निंग होती है वो कैसे आप यहां पे चेक कर सकते हो, यहां पर आप आके रिव्यू और बोनस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हो यहां से आप जो अपने अर्निंग्स है वो चेक कर सकते हो। यहां पर आपको रिपेयर फर्स्ट लोन ऑफर के नाम से यहां पर आपका जो साइन अप बोनस 100 रुपीस का वो देखने को मिल जाएगा। अब जैसे आप लोन लोगे, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया वो काफी तरह के जो लोन ऑफर है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। अब जो भी आप यहाँ से लोन लेते हो, जैसे कि आप 1500 का, 1000 का, 500 का जो भी लोन लेते हो, वहाँ पर आपने जैसे 500 का लोन यहाँ पे क्लिक किया, 500 का सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आप लोन लेते हो 500 का अगर 31 दिन के लिए, तो यहाँ पर ये लोन आप ले सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ से कंप्लीट जो आपके चार्जेस वगैरह है, जो भी EMI वगैरह, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करके आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पर अप्लाई बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। अब जब बारी आएगी ये लोन पे करने की, यानी कि 500 रुपये का लोन पे के, तो 100 रुपीस कम आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 100 रुपीस का साइन अप बोनस आपको मिला है, यानी कि 400 रुपए कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के। तो यहां पर आप जो है अपना 100 रुपीस कम ही अमाउंट पे करने वाले हो, बाकी आप यहां पे रेफर करके जो 250 रुपए अर्न करोगे भाई, वहां पर भी आपको जो अपना अमाउंट है वो कम ही आपको पे करना है। अगर आप दो भी रेफर कर देते हो तो भाई 500 रुपए आपको मिलते हैं, जो कि आप 500 का लोन ले सकते हो, और आपने जो भी अर्निंग की है वो आपका उस अमाउंट से रिपे हो जाएगा। तो भाई लिंक आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, अभी लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और यहां पर साइन अप बोनस 100 रुपीस अर्न कर सकते हो, और रेफर करके अनलिमिटेड रेफर करके यहां से आप 250 रुपए एक सिंगल रेफर का अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर जरा से पसंद आए तो एक लाइक कर दो जाना, और भाई चैनल पे नया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बैकग्राउंड पे क्लिक करो और प्रेसेट करो, वगैरह ऐसी वीडियो इस चैनल पे आपको डेली देखने को मिलती रहेगी, जिनसे आप डेली अर्निंग करते रहेंगे। सो भाई मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। मिलता है, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।